कारगिल विजय दिवस पर स्कूल स्तर पर भाषण। इस भाषण की शुरुआत आप इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ कर सकते हैं। आओ सलामी दे उन्हें जो इनके असली हकदार हैं, मिट्टी की हर एक परत उन्हीं की कर्जदार है। माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय महोदय जी, उपस्थित अतिथिगण, प्यारे शिक्षक और मेरे सहपाठी, साथ ही आज इस पावन दिवस पर पधारे सभी मेहमानों का मैं आप यहां पर अपना नाम, कक्षा और स्कूल का नाम साथ में जोड़ सकते हैं। आप सभी का सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद आगे भाषण में आप कहेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि यह एक सिर्फ दिवस ही नहीं बल्कि बर्फीले पहाड़ियों पर जहां आम आदमी के लिए सांस लेना भी दुष्कर है, वहां युद्ध लड़ा गया जिसमें कुल लगभग 2,00,000 सैनिकों ने भाग लिया था और 527 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना अमानवीय तरीके से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लद्दाख और कश्मीर के बीच का संबंध तोड़ना चाहती थी और धीरे धीरे लोगों को भेज ट्रेनिंग देकर किसी तरह भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी। जब वहां के चरवाहों ने यह संदिग्ध गतिविधि देखी तो उन्होंने तुरंत भारतीय सेना को सतर्क किया और तब भारतीय सेना ने अपनी कमान संभाली और 3 मई 1999 को यह युद्ध शुरू हुआ। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने जज्बे और शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान सेना को खदेड़ा और जीत का डंका बजाया। तब से यह दिन इतिहास में कारगिल विजय दिवस के नाम से प्रख्यात हुआ। यह दिन देश के उन वीरों की याद दिलाता है जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए पर तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। उन वीर माताओं की भी याद दिलाता है जिन्होंने युद्ध में भेजने से पहले अपने लाल का विजय तिलक किया था और वे धरती माँ की गोद में विजय ध्वज फहरा के सो गए। यह देश उन्हीं की वीर गाथाओं से आज गौरवान्वित हो रहा है। कारगिल की जीत गद्दारी पर ईमानदारी की जीत है। समझौता करने के बाद भी पाकिस्तान ने गद्दारी की, साथ ही देश के ताज को छीनने चले थे पर भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के द्वारा दिल्ली गेट के अमर जवान स्मारक पर शहीदों को नमन किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। भाषण के अंत में आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं इस विजय कारगिल दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं और कुछ पंक्तियां शहीदों को समर्पित करता हूं। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। सभी देशवासियों को एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।